आप परेशान होते हैं, ठीक है, आप परेशान होते हैं, आप अपने मन को डाइवर्ट कर देते हैं किसी ना किसी काम में, या तो आप टीवी देखते हैं या तो आप गाना सुनते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर लोगों को देखा है कि जब चित्त विचलित होता है या मन परेशान होता है, उस समय डाल दिए दो ईयरफोन अंदर, ये कभी भी मन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। किसी साधन की आड़ में या किसी साधन के उपयोग करने के बाद यदि आप डाइवर्ट करते हो मन को, ये एक उपाय हो सकता है पर सॉल्यूशन नहीं है, ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये टेम्पररी उपाय हो सकता है। तो आप गाना सुन लेते हैं, मन डाइवर्ट हो जाता है। हम आपसे ये कहते हैं कि मन में इतनी सारी विचलितताएं उत्पन्न होती है, इतने सारे भय उत्पन्न होते हैं, इतनी सारी शंकाएं कुशंकाएं विचित्र स्थिति जब उत्पन्न होती है, उस समय ही आपको खोजना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप किस चीज की मांग कर रहे हैं। आपने उसका खिलौना दे दिया, अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आपने रोया, आप उल्लू मेरा बच्चा, आपने उछाला, आपने झुनझुनू बजाई, कुछ देर चुप हुआ फिर से रोया, फिर आपने कुछ और दिया, कुछ देर चुप हुआ फिर से रोया, फिर आपने ताली बजाई, ओ मेरा बच्चा देखो, ओ मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू, अरे मेरा राजा, आपकी ताली से वो ध्यान डाइवर्ट हुआ पर कारण नहीं मिटा। उसे भूख थी, उसे पेट में दर्द था या कोई और कारण था, ये जानने की हमने कोशिश नहीं की, इसीलिए वो कुछ देर तो डाइवर्ट हुआ पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आया। हम भी बार बार बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बार बार हम सोचने लग जाते हैं, बार बार हम भयातुर होते हैं, हम ध्यान को डाइवर्ट कर देते हैं, पर वो उतनी देर के लिए ध्यान डाइवर्ट हुआ, आप नकारात्मकता से मुक्त हुए होंगे, पर जो बीज अंदर में पड़ा हुआ है वो बार बार आपको परेशान करता ही रहेगा। तो किस चीज से और किस बात से आप नकारात्मकता का शिकार हो रहे हैं, उसका कारण जरूर खोजना चाहिए, और यही आपकी जीवन की यात्रा का सत्य है। यदि मन रुक गया तो घोड़ा घुड़सवारी, कोई भी उस घोड़े पर घुड़सवारी नहीं कर सकता। यदि आपके घोड़े को रुकने की आदत है तो आप कहते हो चल बाबा तू रुक ही गया है, पानी पी ले, वो ठहर गया है ना, आपने फिर थोड़ा चल लिया और वो फिर कूदने लग गया, आपने फिर उसे कहा कि चल भाई तू चल नहीं पा रहा है तो थोड़ी घास खा ले, आप अपनी इस आदतों से यात्रा को लंबी करते हैं। क्या हमने कभी शांति से बैठकर सोचा कि इतनी नकारात्मकता हमारे भीतर कहां से आई और क्यों आई, क्या करने से आती है, क्या सोचने से आती है, किन कारणों से आती है, क्या उन कारणों को निर्मूल करने की कभी कोशिश की? अगर नहीं की तो हम विफल यात्री हैं, और अगर हमने की है कि हमारा घोड़ा इतना नर्वस हो जाता है, बार 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 रुक सा जाता है, आखिर क्या दिक्कत है इसको, इसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, या इसकी नाल खराब हो गई है, या उसका किल्ली निकल गई है, या कुछ और कारण है। हमने कभी अपने आप पर विचार नहीं किया जितना हमने दूसरे लोगों पर विचार किया, फलाने व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा बुरा है, वो गलत है, पर मेरा मन क्यों बदमाशी करता है, मेरा मन क्यों इतना नकारात्मक है, मेरा मन क्यों इतना क्रोधी है, मेरा मन इतना क्यों कामी है, इन बातों पर हमने कभी विचार नहीं किया, और हमने विचार नहीं किया इसीलिए हम अपने आप को बना नहीं पाए।